दोस्तों लग्जमबर्ग दुनिया का वह देश है जिसका एवरेज इनकम सबसे ज्यादा है, 1,13,196 डॉलर। इसको इंडियन करेंसी में देखोगे तो ये होता है करीब 86,57,796 रुपया। जबकि बुरुंडी दुनिया का वह देश है जिसका एवरेज इनकम सबसे कम है, अमेरिका का एवरेज इनकम करीब 67,426 डॉलर है, तो इंग्लैंड का एवरेज इनकम करीब 41,000 डॉलर है। बट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बारे में कि इनका एवरेज इनकम कितना है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि इंडिया के पड़ोसी देश 9 है, 7 लैंड से तो 2 वाटर से। अब एक एक करके इनका एवरेज इनकम देखते हैं। तो नंबर 1 इंडिया। इंडिया का एवरेज इनकम 2,338 डॉलर है और अगर इसको इंडियन करेंसी में देखोगे तो ये होता है 1,78,862 रुपया। नंबर 2 पाकिस्तान। पाकिस्तान का एवरेज इनकम 1,388 डॉलर है, इसको इंडियन करेंसी में देखोगे तो ये होता है 1,06,185 रुपया। नंबर 3 अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का एवरेज इनकम सबसे कम है, 601 डॉलर। इसको इंडियन करेंसी में देखोगे तो ये होता है 45,978 रुपया। नंबर 4 चाइना। चाइना का एवरेज इनकम 10,872 डॉलर है, इसको इंडियन करेंसी में देखोगे तो ये होता है 8,31,490 रुपया। नंबर 5 नेपाल। नेपाल का एवरेज इनकम 1,048 डॉलर है, इसको इंडियन करेंसी में देखोगे तो ये होता है 80,151 रुपया। नंबर 6 भूटान। भूटान का एवरेज इनकम इंडिया से ज्यादा है, 3,117 डॉलर। इसको इंडियन करेंसी में देखोगे तो ये होता है 2,38,388 रुपया। नंबर 7 बांग्लादेश। बांग्लादेश का एवरेज इनकम इंडिया से कम है, यहाँ का एवरेज इनकम 2,067 डॉलर है और इसको इंडियन करेंसी में देखोगे तो ये होता है 1,58,084 रुपया। नंबर 8 म्यांमार। म्यांमार का एवरेज इनकम 1,245 डॉलर है और इसको इंडियन करेंसी में देखोगे तो ये होता है 95,217 रुपया। नंबर 9 श्रीलंका। श्रीलंका का एवरेज इनकम इंडिया से ज्यादा है, 4,152 डॉलर और इसको इंडियन करेंसी में देखोगे तो ये होता है 3,17,470 रुपया। नंबर 10 मालदीव। मालदीव का एवरेज इनकम इंडिया और उसके पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा है, 15,463 डॉलर और इसको अगर इंडियन करेंसी में देखोगे तो ये होता है 11,83,331 रुपया। दोस्तों किसी भी देश का एवरेज इनकम कई बातों पर डिपेंड करता है, बट सबसे पहले आप ये जान लो कि एवरेज इनकम की डिफिनेशन क्या होती है, जिसे पॉपुलरली पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। तो एवरेज इनकम का डिफिनेशन है किसी भी एरिया का टोटल इनकम डिवाइडेड बाई उस एरिया का पॉपुलेशन। जैसे कि इंडिया का टोटल इनकम 3.2 ट्रिलियन हो गया, तो उसको 137 करोड़ से डिवाइड कर दो तो ये इंडिया का एवरेज इनकम हो गया। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो 10 लोग हैं और उनका टोटल इनकम 100 रुपया है, तो 100 को 10 से डिवाइड कर दो तो ये एवरेज इनकम आ गया 10 रुपया। बट दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि 2 लोग ही ऐसे होंगे जो 80 रुपया कमा रहे होंगे और बाकी का बचा हुआ 20 रुपया 8 लोग मिलकर कमा रहे होंगे। तो ऊपर से आप देखकर बोल सकते हो कि हाँ इनका एवरेज इनकम 10 रुपया है, बट इंटरनली ये इक्वल नहीं है। मैं आपको एक आइडिया दूं तो इंडिया के बिलो 70% लोगों के पास जितना पैसा होता है उसका 4 टाइम्स इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास होता है। तो आप देख लो कि कितना बड़ा गैप है। और एक बात और जान लो कि किसी भी देश का पर कैपिटा इनकम उस देश में रह रहे लोगों का पर्सनल इनकम नहीं होता है, समझे, पर्सनल इनकम वेरी करता है। और दोस्तों एक बात और, हम किसी एक कंट्री के एवरेज इनकम को किसी दूसरे कंट्री के एवरेज इनकम से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बात आ जाती है कॉस्ट ऑफ लिविंग की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस कंट्री का कितना है, इन्फ्लेशन रेट कितना है और भी बहुत कुछ। जैसे एक एग्जांपल और दो तो इंडिया में 50K पर मंथ अगर आप कमाते हो तो ये एक डिसेंट इनकम होता है, लेकिन इसी इनकम को अगर आप अमेरिका इंग्लैंड में कमाते हो तो वहाँ ये कुछ भी नहीं है। जैसे अमेरिका में मिनिमम वेज जो 1 घंटे का होता है वो 11 डॉलर करीब होता है, मतलब कि कोई भी आप काम करो अमेरिका में वहाँ 1 घंटे का जो मिनिमम वेज होगा वो 11 डॉलर होगा।
तो इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देख लो, तो इतना अगर लोग इंडिया में डेली कमाते हैं तो ये एक अच्छा इनकम माना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।